और कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें डोमिनोज से अच्छा KFC लगता है। और लास्ट में जाते जाते मैंने वो चैलेंज पास ऑन कर दिया था अक्षांशु को, ये है इनकी बिरयानी। सो हे गाइस, दिस इज प्रवीण सलाल एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज KFC से हम लोग बहुत सारी चीज़ें लाए हैं, नॉनवेज का बेसिकली हर चीज़ इंक्लूड कर रखा है मैंने। मैं जल्दी से बता देता हूँ पढ़ के कि मेरे पास क्या क्या है। यहाँ पे मैंने मेरे पास ले रखे हैं 2 पीसेस स्मोकी रेड, 2 पीसेस हॉट एंड क्रिस्पी, जिंगर तंदूरी बर्गर, क्लासिक जिंगर बर्गर, पॉपकॉर्न रेगुलर, स्मोकी ग्रिल बिरयानी बकेट, ये रखा हुआ है मैंने, ये दिख नहीं रहा होगा, सिंगल स्ट्राइप्स, और मैंने ले रखा है चौको मट पाए, मीडियम फ्राइज, कॉफ़ी, माउस केक। और ये सब कुछ मुझे अराउंड पड़ा 1538 रुपीज़ का, और डिस्काउंट लगा के मुझे 1235 रुपये का पड़ गया था। बिल मैं स्क्रीन पे डाल दूँगा, तो फिर शुरू करते हैं। और हाँ, ये मैं भूल गया था कि मेरे पास क्या है, मेरे पास आज मैंने कोक ले रखा है। और शुरू करते हैं कार्यक्रम को, शुरू करते हैं बिना कुछ देर किए। ये ऐसा कुछ है स्मोकी रेड, आई होप आपको दिख रहा होगा। कुछ ज्यादा गिर गया, तंदूरी जिंगर बर्गर। यहाँ पे देख लो, पॉपकॉर्न चिकन है, दिख रहा होगा शायद।
यह बोनलेस स्ट्राइप। आप लोगों ने अगर मेरी इससे पहले वाली वीडियो जो मैंने KFC पे की थी, वो मेरा फर्स्ट वीडियो था, अगर नहीं देखा तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, वो जाके देख लेना और बता देना कि उस वीडियो और इस वीडियो में क्या डिफरेंस है, बोलने में, कॉन्फिडेंस लेवल में, किसी भी चीज़ में बताना। हॉट एंड क्रिस्पी और थाई का पीस है गैस। KFC का एक नया आउटलेट भी खुल रहा है ग्राफिकर के पास। इसको बाद में आएंगे। ये है इनकी बिरयानी। इन्होंने नया ऐड किया, देखते हैं कैसी हो रही है। पहले जो राइस थे वो पीला पीला नहीं होता था। नॉर्मल है।
मैंने सोचा ही लोग इसके साथ ग्रेवी देंगे। बेवकूफ बना दिए उन्होंने। गर्मियों के टाइम की एक चीज़ अच्छी है, मैं अभी शूट कर रहा हूँ, 4 बज रहे हैं, बाहर धूप हो रही है तो कोई बाहर से आ नहीं रहा, बट गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं, पंखा भी बंद है। ये चाहे कैसा भी हो, प्यार KFC से ही है। और कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें डोमिनो से अच्छा KFC लगता है, वो ही बताना। इन्होंने इसमें शायद, क्या पता इसी बाउल में हो, मैंने सोचा था इसमें ग्रेवी आएगी, क्या पता ग्रेवी देना भूल गया हूँ। बस अगर इसके ऊपर से ये डाला हुआ है। तो रिसेंटली मैंने एक और बात करनी थी, रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था 2x स्पाइसी रेमन का, जिसने देखा मैं उसका लिंक भी आई बटन पे दे दूंगा, इधर के स्क्रीन पे आ रहा होगा, देख लेना। तो मैंने उसमें, मैं नहीं कर पाया था वो चैलेंज, और लास्ट में जाते जाते मैंने वो चैलेंज पास ऑन कर दिया था अक्की को, अक्षांशु को और नवीन चौहान को और वासु को। और अक्की ने रिसेंटली वो वीडियो अपलोड किया और उसने चैलेंज पूरा कंप्लीट कर दिया। बहुत स्पाइसी है वो, सच में बहुत स्पाइसी है, और उसने कर दिया चैलेंज कंप्लीट। उसके लिए भाई साहब को बहुत बहुत बधाई। और इन फ्यूचर मैं फिर से, मैं सोच रहा हूँ कि ट्राई करूँगा, बट अक्की ने वो खा लिया, अब मैं भी करूँगा, फिर से करूँगा इन फ्यूचर, 3 खाऊँगा पक्का। और अगर फिर से नहीं खा पाया फिर चैलेंज पास ऑन कर दूँगा। ये दो चीज़ें अभी खोल के दिखाऊँ, बहुत ही बेहतरीन हैं ये चीज़ें। ये पैटी यूज़ नहीं करते, जो हॉट एंड क्रिस्पी चिकन में होता है वह इसके अंदर डाल देते हैं, और ये बढ़िया लगता है। और जिस जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठंडा हो चुका है, इस पूरी बिरयानी में यही एक चीज़ है जो अच्छी है।
थोड़ा सा टेस्ट चेंज करते हैं। अभी कहीं गिर गया तो सब बोलेंगे जबरदस्ती मत गिरा इसे। और आज पता नहीं क्यों ठंडा पानी भी नहीं मन कर रहा। नाम बताता हूँ अभी, कॉफी माउस केक, और वो था चोको मड़पाय। भाई क्या हो रहा है यार ये। शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ मैं। आगे देखने याद करोगे। तो यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ मैं आपको दूसरी वीडियो में अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय।